नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी के साथ एक दशक में भारत और 2017 के बाद से योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में आए परिवर्तन और विकास कार्यों पर हमारे संवाददाता शेखर त्रिवेदी ने खास बातचीत की। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज हम चर्चा करेंगे बीते एक दशक में भारत में किस तरीके का कितना बदलाव आया है। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रफ्तार किस तरीके से मिलनी है इसका एक नमूना पेश किया, जब नमो भारत को हरी झंडी दिखाई गई। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए हुआ कि हमारी संस्कृति, हमारा वैभव कितना विशाल है, उसका किस तरीके का प्रभाव है। INS गोमती, जो हमारा युद्धपोत था, लखनऊ में स्थापित हो रहा है, उसका शिलान्यास हुआ भूमि का, और उसके बाद एक दिन वो भी होगा जब INS गोमती को हम, उस युद्धपोत को भीतर जाकर के देख सकेंगे। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं बीते एक दशक में और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में। किस तरीके से हमारे जीवन को गति मिल रही है और सरकार की योजनाएं क्या वास्तव में हम तक पहुंच रही हैं या हम यूं ही चर्चा कर रहे हैं, इस पर विस्तार से आज बात होगी। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान श्री प्रभात त्रिपाठी जी, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रभात जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जो मैंने भूमिका बनाई, इसमें हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग कहें कि नहीं कुछ कम रह गया, तो इसको एक पत्रकार होने के नाते पहले तो आप बैलेंस कीजिए कि हुआ क्या है पिछले 10 साल में। देखिए शेखर जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जब देश एक ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा था कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और जनता को जो विकास कार्य मिलने चाहिए थे वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे थे, परिवारवाद एक बहुत मुखर रूप से था, आम व्यक्ति या आम युवा या आम, जिसे मैं कहूंगा महिला या जो भी है, उसको उस मेन स्ट्रीम पे वो नहीं आ पा रहे थे और देश चल रहा था, किसी तरीके से चल रहा था। लेकिन जब 2014 के बाद एक ऐसा व्यक्ति गुजरात से निकलता है जिसके गुजरात मॉडल की तारीफ हमारे ख्याल से भारत के साथ साथ पूरे विश्व में होती रही, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले वहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पिछले चार बार से वहां मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब उनको पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो एक उसी समय से एक ये लगा कि इस देश को कोई एक ऐसा नेता शायद प्रधानमंत्री के रूप में मिलने जा रहा है जो वाकई में बहुत गतिशील है, 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति है, निहायत ईमानदार है और परिश्रमी और मेहनती है, 24/7 काम करने वाला आदमी। जब देश की 135 करोड़ जनता ने उसको अपना एक, जिसे कहते हैं परिवार का मुखिया चुना, देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो विपक्षी ये कहने लगे कि अरे गुजरात से निकालकर देश में वो आए हैं, अभी देखिए क्या होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर उस चीज पे काम किया जिस चीज पे ये देश हमारा बहुत पीछे जा रहा था। आते ही आते उन्होंने अपना एक, पहले तो उन्होंने पूरा एक ब्यूरोक्रेसी अपनी, जिस तरीके से कहते हैं उसको, एक पूरा जो हमारी सरकारी योजनाओं को लागू करता है इस देश के अंदर, जन तक पहुंचाता है, उसके ऊपर रिफॉर्म्स किया, उसके ऊपर काम किया। और उस मंत्रालय में जहां लोग समय से नहीं आते थे, लोग उसी भ्रष्टाचार में लगे हुए थे और जो सरकारी योजनाएं थी उसमें कुंडली मार के बैठे रहते थे और एक परिवार में वो योजनाएं जाती थी, धीरे धीरे उन्होंने देश को एक गति दी और अपना एक नेतृत्व दिया, साफ सुथरा नेतृत्व, और कई ऐसे निर्णय लिए इस देश के, जिसे कहते हैं कि चाहे वो भारत की संस्कृति हो, चाहे वो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा मामला हो, चाहे वो हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, सेना से लेके रेलवे तक उन्होंने पूरा ढांचा बिल्कुल जो है उसको बदलने के लिए रात दिन एक किया। हमारी स्थिति, भारत का प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाता था तो हमारे, हम लोगों को बड़े ऐसी स्थिति में देखते थे कि अरे ये किस देश से एक प्रधानमंत्री आ गया। उन्होंने उस परसेप्शन को बदला और जिस तरीके से उन्होंने विदेशों में जाके अपनी भारत की बात को रखा,
चाहे वो कूटनीतिक निर्णय हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे राजनीतिक निर्णय हो, और वो वहां गए, लोगों ने हंसी उड़ाई कि वो सूट पहनने वाला एक प्रधानमंत्री अपने आप को ग्लोबल लीडर बनने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और कई आलोचनाएं हुई, किसी ने कोई चौकीदार चोर कहा, मतलब अनगिनत मैं नहीं गिना सकता हूं, उनका अपमानजनक उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे रहे और अपने काम पे वो डटे रहे। कई बार उन्होंने दिल्ली के लाल किले मैदान से उन्होंने जो भी चीजें बोली, स्वच्छ भारत अभियान, ये एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि एक ऐसा अभियान था कि उन्होंने वहां से शुरुआत की और खुद झाड़ू लेके उन्होंने सफाई की, और उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जब स्वच्छता होगी, जब स्वच्छ हमारा आसपास का एरिया होगा, तो हमें बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वस्थ होंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया, फिर उन्होंने इस देश की जनता के लिए जनधन योजना शुरू की, उन्होंने उज्ज्वला योजना की, मातृशक्ति को, जो महिलाएं घर में चूल्हा फूंकती थी, जिनकी आंखें जो है चली जाती थी, और रोटी पकाने के लिए उनको उज्ज्वला गैस, घर घर गैस योजना पहुंचाई, स्वच्छता अभियान चलाया, मातृशक्ति के लिए उन्होंने काम किया, और जिस तरीके से उन्होंने जो लाल किले से ऐलान किया था, उन्होंने वाकई में उस पूरे देश की जनता को वो अपनी काम करने की शैली से वो हर चीज मुहैया कराई। कई आलोचनाएं हुई, पहला कार्यकाल उनका जब 14 से 19 का चला, तो कई महत्वपूर्ण डिसीजन उन्होंने लिए, नोटबंदी जैसा फैसला उन्होंने लिया, जो एक बहुत ही ऐसा फैसला था जिसमें ये लग रहा था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो डटे रहे। और उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, इसलिए लिया कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हवाला से पैसा आ रहा है, फर्जी करेंसी चल रही है, नेताओं ने अनाप शनाप पैसा अपने इकट्ठा कर रखा है, काला धन, तो उन सब चीजों को लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और नोटबंदी उनकी सफल हुई। उसके बाद उन्होंने एक देश में बहुत बड़ा निर्णय लिया, जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटा के, जहां पे पत्थरबाजी होती थी, हमारे पड़ोसी देश से लोग उकसाते थे और हमारे युवा पीढ़ी पत्थर वहां चलाते थे, उनको पत्थरबाजी के लिए पैसे मिलते थे, 370 उन्होंने खत्म की, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की, कई महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने अपने 5 साल के उस फैसले में, पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिए। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने 2019 के जब चुनाव के पहले वो जब जा रहे थे, 5 साल की अपनी एक सबसे बड़ी खासियत प्रधानमंत्री क्या है कि वो जितने दिन काम करते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने उसके पहले जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, और उन्होंने जनता को बताया कि 5 साल हमने जो वायदे किए थे, जो घोषणा पत्र हमारा जारी हुआ था, उस पर हमने अक्षरशः काम किया। प्रभा जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण बात जो आपने उदाहरण के रूप में रखी, उज्ज्वला योजना, मुझे अच्छी तरह याद है, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में ये कहा जाता था कि जब अपने देश में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तो कहने लगे एक टाइम खाओ और गहने और बाकी चीज़ें महिलाओं ने बाहर रख दी। लेकिन बहुत लंबा अरसा ऐसा है जिसमें ऐसा एक कोई आदमी कुछ कहे, प्रधानमंत्री कुछ कहे और उसको जनता उसी तरीके से अंगीकार स्वीकार कर ले, उदाहरण कम मिलते हैं। उज्ज्वला योजना सरकार की तरफ से थी, केवल इतना ही बात नहीं थी, उसमें जनता की भागीदारी इस तरीके से थी कि हमने और आपने सब्सिडी छोड़ी, और वो भी मतलब खुद से, केवल एक कॉल पे। तो ये पब्लिक का मोटिवेशन किस तरीके से, देखिए शेखर जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अकेले काम करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कार्य संस्कृति को जन्म दिया जो वो जानते थे कि ये बहुत कठिन काम है, हर व्यक्ति को उन्होंने मोटिवेट किया। और ये जो आप बता रहे हो उज्ज्वला गैस में जो हम लोग सब्सिडी देते थे, वो सब्सिडी एक बहुत बड़ा अभिशाप था। अगर हम किसी को लाभ पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी वो भागीदारी सुनिश्चित की, उन्होंने हर उनके निर्णय को भी स्वीकार किया, और वो हर बार ये कहते हैं कि ये मैं अकेले काम नहीं कर रहा हूं, ये आप लोगों के आशीर्वाद से काम हो रहा है। देश तभी बदलेगा जब हम आप भी जागरूक होंगे, हम आप, ये नहीं कि हम सिर्फ सरकार की योजनाओं का लाभ लें, फ्री की रेवड़ी बट रही है जैसे और लोग फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, और फ्री की रेवड़ी बांटना ये एक अपाहिज करना है किसी को। महिलाओं की जो समस्या का दर्द, आधी आबादी का,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो समझा उसको किया और जनता का सहयोग भी मिला। मैं ये कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि निश्चित तौर पे इस देश को एक ऐसा शासक मिला है जो दोबारा सरकार में आया और दोबारा सरकार में आने के बाद उनकी और गति बढ़ गई। उन्होंने जिस तरीके से अभी एक जो उद्घाटन परसों किया है रैपिड रेल उसका नमो भारत ट्रेन का, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे पास वही सड़ी गली व्यवस्था थी, वही रेल की पटरियां थी, वही हमारी बोगियां थी। लोग कह रहे हैं अरे भाई ये तो मोदी जी आए हैं प्राइवेटकरण कर रहे हैं लोगों को उद्योगपतियों को, अरे भाई ये बताइए इस देश में उद्योगपति ही तो काम करेगा। अगर कोई उद्योगपति आता है कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो उसका फायदा आम इंसान को मिलता है, कोई आम इंसान जाके उस बड़े काम को नहीं संभाल सकता है। रेलवे का जो आधुनिकीकरण हुआ है, मैं आपको बता दूं वंदे भारत ट्रेन, हमारी जो कनेक्टिविटी, जो दूरी कम समय पे तय होना, ये एक विकास का सबसे बड़ा एक लक्ष्य होता है। हवाई अड्डे कितने बना दिए, हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में चलने का मौका मिला। दूसरी चीज हमारे जो सड़कें हैं, जो गांव गांव जो हमारे हाईवेज हैं, देखिए हाईवेज बन गए लेकिन हमारी जो और सड़कें हैं जो गांव के गांव तक जोड़ती हैं वो राज्यों ने भी काम किया, उसमें केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। तो मेरा ये कहना है कि कनेक्टिविटी से लेके सारी चीजें और कई ऐसे अहम निर्णय हैं जिसको देखिए, मैं एक बात और बहुत बड़ी कहना ही चाहूंगा कि मोदी जी गुजरात से निकल के आए और दिल्ली का उन्होंने ताजो तख्त संभाला। विषम परिस्थितियों में उन्होंने इस देश को, आज 10वीं अर्थव्यवस्था भारत थी, आज हम 4थी अर्थव्यवस्था में पहुंच गए। देखिए मोदी जी काम करना क्या है, कोई व्यक्ति ये समझे कि हमें तुरंत फायदा मिल जाए तो कोई भी अगर बड़े लक्ष्य को हमें की पूर्ति करनी है तो हमें थोड़ा सा समय भी देना होगा और हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे लाल किले से कहा कि मेरे 140 करोड़ परिवार जन, वो उनके अंदर ये भावना है कि मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, चाय स्टेशन पे चाय बेचने वाला व्यक्ति अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है तो ईश्वर ने उसको सब कुछ दिया है और जनता जनार्दन ने दिया है, आप ही के सहयोग से वो प्रधानमंत्री बने। तो निश्चित बस मैं खत्म करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भी काम करने की शैली है वो डिलीवर करने की भी शैली है। वो योजना बनाते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसका शुभारंभ भी करते हैं और अपने पीएमओ में उन्होंने वो अधिकारी और 24/7 मुझे लगता है कि 12:30-1 बजे सोते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं। जो देश का प्रधानमंत्री 4 घंटे सोता हो और देश के बारे में अगर सोचता हो और उसको इंप्लीमेंट कराना, सबसे बड़ी चीज योजनाओं को आप ऐलान कर दें घोषित कर दें लेकिन उनको उसको इंप्लीमेंट कराना, ये किसी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सबसे बड़ा काम है कि वो जिस काम को लेते हैं उस काम को करके ही मानते हैं। मैं कहता हूं दावे से इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली एक है, सोचने की क्षमता एक है, काम करने की शैली एक है। चाहे वो ब्यूरोक्रेट से काम लेना हो, चाहे वो कर्मचारियों से काम लेना हो, और जितनी योजनाएं, देखिए जब पहली इन्वेस्टर मीट हुई तो लोगों ने बड़ी आलोचना की कि उत्तर प्रदेश में कहां ये सब फर्जी हो रहे हैं, सारे जो हैं एमयू साइन जो हो रहे हैं। विकास परिषद भी एक अखिलेश मुलायम सिंह ने अमर सिंह के माध्यम से बनाई थी, कहीं कुछ नहीं हुआ, खा गए सब पैसा उद्योगपतियों को लाके। यहां काम हो रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी योजना जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता था, हर जिलों में जो जो प्रोडक्ट थे वो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं बंदी के कगार पे, किताबों में रह गए थे कि किताबों में रह गए थे। कालीन उद्योग हो, चमड़ा उद्योग हो, पीतल उद्योग हो, जैसे कहते हैं आपका ये लखनऊ की चिकन कारीगरी उद्योग हो, सारे उद्योग खत्म थे। एमएसएमई सेक्टर बिल्कुल ध्वस्त था, बिल्कुल खड़ा किया, लोगों को लाए, प्रदेश को पैसा दिया। आज हमारे प्रदेश का 7.5 लाख करोड़ का बजट है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है प्रभा जी, ये बजट पे हम जाएंगे। एक चीज और है कि जब आप उद्योग खड़ा कर रहे हैं तो उसके पैरेलल दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो हमें कौशल की जरूरत होगी तो उसके लिए कौशल विकास, और दूसरा हमें
पैसा भी चाहिए, यानी जो कारीगर है उसको पैसा भी चाहिए कि वो बिजनेस अपना एक्सपैंड कर सके। देखिए शेखर भाई, क्या है कि हमारा बहुत सा पैसा चला जाता था भ्रष्टाचार के उसमें। हम अगर अपनी जब आय को मैं खर्चे पर जब कटौती करते हैं और आय को बढ़ाते हैं तो उस प्रदेश का एक आर्थिक ढांचा भी बनता है। $1 trillion का जो लक्ष्य योगी जी ने रखा आते आते उसको अचीव कर रहे हैं। $5 trillion केंद्र का, मोदी जी का। आज हम ग्लोबल लीडर हो गए, विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था है, खड़े हैं डंके की चोट पे, बिल्कुल सिर उठा के खड़े हैं। और ईश्वर ने चाहा 2027 तक हम देश की विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। योगी जी के काम करने की शैली बिल्कुल अलग है। वो एक संत हैं, सुबह उठते हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी का है, योगा करते हैं, उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं, काम पे लग जाते हैं, अपनी वही दिनचर्या उनकी जो गोरखपुर में अपने एक मठ में थी वो सुबह थोड़ी शुरू होती, उसके बाद प्रदेश की जनता के लिए लग जाते हैं। कोविड का एक जो कार्यकाल था वो इस प्रदेश के लिए बहुत ही ऐसा कार्यकाल था जो बहुत संकट भरा था, पूरे देश के लिए था। योगी जी अपने पिता की डेथ में भी नहीं गए, एक मुख्यमंत्री होके लगे रहे 24/7। और उन्होंने अधिकारियों को टीम 11 बनाई, उन्होंने गठन किया और मॉनिटरिंग कर। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, किसी को मैंने फिर कहा चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, काम करने की एक शैली और काम की मॉनिटरिंग करना, हर 24 आवर में क्या आपने डिलीवर किया है, क्या हमने जो काम दिया था हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी पूछताछ करना। ये नहीं कि काम दे के सो गए, 6 महीने बाद याद आ रही है कि भाई ये हमने काम दिया था, ये योजना की थी आपने चालू नहीं की। हमारी भारत की जो संस्कृति है मूल, मैं उस पर अब आता हूँ। हमारी भारत की सनातनी जो परंपरा है और जो संस्कृति है हजारों साल पुरानी है, हमारे मंदिर हमारे जो स्थल थे बिल्कुल ऐसी स्थिति में थे। अरे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 500 साल बाद एक कोर्ट से निर्णय हुआ, भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है और जनवरी में विश्व को समर्पित हो जाएगा और ये भगवान राम का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। और जब शेखर जी हमारी जब ये धार्मिक स्थल ठीक होते हैं तो सबसे बड़ी चीज पर्यटन बढ़ता है, पर्यटन से उद्योग बढ़ता है, लोग आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बनारस कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ का बनाया गया और पूरे प्रदेश में हर स्थानों पर कॉरिडोर बन गया है और बन रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, कोई दक्षिण से आ रहा है, कोई इस छोर से आ रहा है, कोई उस छोर से आ रहा है और विश्व से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो हमारा पर्यटन जब बढ़ेगा तो हमारी देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। सबसे बड़ी चीज मैं एक चीज कहना चाहूंगा और बहुत मैं एक पत्रकार होने के नाते देखिए मैं इन दो नेताओं से एक काम करने की शैली से जरूर प्रभावित हूं। हर पत्रकार को इस बात को मजबूती से रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा और अगर वो काम सही नहीं कर रहा तो उसकी आलोचना भी करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा कानून व्यवस्था, इस प्रदेश की कई सरकारें कानून व्यवस्था को लेकर चली गई हैं, वो आई हैं। योगी जी अगर 17 के बाद 22 में रिपीट हुए हैं और पहली बार 90 के बाद हुआ है कि कोई सरकार रिपीट हुई है, तो सरकार ने काम किया। क्योंकि ये जो राजनीतिक दल थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो, ये मुसलमानों को डरा के रखते थे। इनके मौलाना और मौलवी जो फतवा जारी करते थे ये डरा के रखते थे कि देखिए भाजपा आ जाएगी तो आपके संग ये होगा। माहौल बदल गया है शेखर भाई, मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को, निकल के आप देखिए, अब जनता आपको जवाब देगी। नेताओं की तो छोड़िए, विपक्ष ये तो जनता के पास जा नहीं पा रहे हैं। पहले तो इंडिया गठबंधन बनाया, सारे लोग इकट्ठे हो गए और जिसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार, अब 26 दल मिले हैं, उसमें कौन कौन प्रधानमंत्री बनेगा तय नहीं हुआ। अखिलेश जो एक 5 साल के मुख्यमंत्री थे, बहुत पढ़े लिखे थे, परसों मध्य प्रदेश के मामले में बयान देके किस तरीके से उन्होंने, तो शुरुआत हो गई है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस आगे बढ़े, हम प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। तो मोदी जी से मुकाबला आप करेंगे, जनता आपको जवाब देगी, जनता वोट देती है, जनता अपना एक जैसे कहते हैं अपना एक मुखिया चुनती है। जनता में आप जाइए, जनता से कनेक्टिविटी बनाइए, जनता के बीच जो आपका परसेप्शन है भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, इस
भ्रष्टाचार परसेप्शन को बदलिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है कि 26 दल एक हो गए और चुनाव में हम मोदी जी को हरा देंगे। मोदी जी की आम जनता ताकत है। पत्रकार हो सकता है कि आज मैं ये विश्लेषण कर रहा हूं, कुछ लोगों को लगे कि शायद ये विश्लेषण हमारा किसी को खुश करने के लिए होगा, एक वो होगा, लेकिन मैं मानता हूं माहौल बदला है, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। और जब कोई चीज बदलती है, जब नए भारत की कोई परिकल्पना कर रहा है और नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना कर रहा है, तो निश्चित तौर पे हमें भी सेक्रीफाइस करना होगा और हमें वो सही समीक्षा करनी होगी जो वाकई में जनता चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा जी हमें वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पिछले एक दशक में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी की अगुवाई वाली सरकार और फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जो सिलसिला चला है, इसने एक बड़ा कैनवास तैयार किया है, बड़ा संदेश दिया है और उसका असर भी आम जनता को मिला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भी मिला है और साथ साथ उसके हाथ के हुनर के जरिए भी मिला है और सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर के जन जन तक जागरूकता फैले और लोगों की सहभागिता से ये देश आगे बढ़े, इस बात का जो एक मर्म तैयार हुआ है, जो एक माहौल तैयार हुआ है, सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है बाकी विपक्ष के लिए तो ये माहौल ही है कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद जिस तरीके से मोदी और योगी का डबल इंजन, और जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां केंद्र और राज्य का डबल इंजन जिस तरीके का प्रभाव डाल रहा है, वो शायद बाकी सबके लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। तो आज इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नए कार्यक्रम में नई शख्सियत के साथ तो वहीं गोरखपुर मंडल के 1086 विद्यालयों के स्मार्ट क्लास और 64 ब्लॉक संसाधन केंद्रों में आईसीटी लैब का लोकार्पण किया गया। वहीं प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय के 14,360 शिक्षकों को टैबलेट और 3,780 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को वंडर बॉक्स और साथ ही 1,207 दिव्यांग बच्चों को 1,980 सहायक उपकरणों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने वितरण किया है। श्री श्रवण कुमार निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सीएम के सुंदरम जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों से आए हुए सभी उपस्थित शिक्षक गण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज बेसिक शिक्षा परिषद विगत 6 वर्ष के अंदर हुए विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपने साथ कुछ नए अलंकरण जोड़ रहा है। पिछले एक घंटे से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मुझे यहां पर आपके साथ और बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबके सामूहिक प्रयास से बेसिक शिक्षा परिषद में नित नए परिवर्तन। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निस्तारण संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां पर गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात मिली है। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और साथ ही गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी जो सौगात है वो मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं जो कि गोरखनाथ
गोरखपुर की हैं, जहां पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं और वहां पर लोगों से भी मिली और उनकी समस्याओं के समाधान करने की बात भी कही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी, जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुना गया। और साथ ही आपको बता दें कि जनता दर्शन में पूरी फरियाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं और जहां पर लोगों के साथ मिले और लोगों की समस्याएं भी जानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गोरखपुर की हैं, जहां पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में उनकी लोगों की फरियादें सुनी हैं। तो वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर के लोगों को संगम सुपर स्पेशलिस्ट आई हॉस्पिटल के रूप में एक सौगात दी है। आपको बता दें कि गोरखपुर के तारामंडल का भी उद्घाटन किया और साथ ही गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बड़ी पहल है वो देखने को मिली। यहां पर तारामंडल का भी उद्घाटन किया है। गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि आई हॉस्पिटल का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है, जहां पर जो बहुत सारे लोग हैं वो अपना आई टेस्ट करवा सकेंगे और साथ ही जो भी तारामंडल के नाम से इस संस्था का नाम है फ्लाइस बुटर में इतना ही। नमस्कार।